हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन ऐप पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते। स्वागत है। तो बच्चों, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है ना। हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को डिस्कस कर रहे थे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मैंने लगभग सारे गुणधर्म करवा दिए थे, एक दो गुणधर्म रह गए थे तो उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके बाद में हम आज डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसका जो व्यंजक है, उसका जो सूत्र है, 3 या 4 नंबर के डेरिवेशन में 100% बोर्ड में आता है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार है ना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म हैं उनको रिकॉल कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या क्या गुणधर्म थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है, 5-6 गुणधर्म मैंने बता दिए। क्या क्या थे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है, और वो सदैव धनावेश तो पृष्ठ के लंबवत निकलती है और ऋणावेश पृष्ठ के लंबवत समाप्त होती है, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक सतत वक्र होती है, कभी भी बीच बीच में डॉट डॉट कटेगी नहीं है। क्यों नहीं कटे? कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत क्यों होती है, तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। सर, विद्युत क्षेत्र रेखा वो काल्पनिक पद है जिसके अनुदिश एक धनावेश चलने के लिए प्रवृत्त होता है या बाध्य होता है। इसका मतलब सर, धनावेश पे बल तो लगातार लगेगा, और जब बल लगातार लगेगा तो काल्पनिक पथ भी कैसा रहेगा? सतत रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का सदैव क्या होती है? एक सतत वक्र होती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र का कि किसी भी बिंदु पर अगर आपको स्पर्श रेखा खींचते हो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पे हमको स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिशा को बताएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, इस तरह से मान लो विद्युत क्षेत्र का इस दिशा जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया बच्चों आपने, यहाँ पे पी पॉइंट, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा होगी इस दिशा में, मतलब उस धनावेश पे बल कुछ समय के लिए इस दिशा में लगेगा और जैसे नीचे आएगा इस दिशा में लगेगा, लेकिन क्या करें वो अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं बेंड हो रही होगी, वो अट्रैक्शन की मुड़ गई, बाकी देखा जाए तो उस पर बल इधर ही लग रहा है उस धनावेश पे बल। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सर, किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता करना है तो हम उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गुणधर्म क्या था? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। सर, काटेगी तो क्या होगा? बड़ा सिंपल सी बात है, काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? सर, एक ही बिंदु पे दो दिशाएं मिल रही है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? वही सर, हम धनावेश को रखते हैं, धनावेश जिस दिशा में जा रहा है वही हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, काल्पनिक पथ है ये। तो आप लोग बताओ दे कि एक ही बिंदु पर आवेश क्या दो जगह जा सकता है क्या एक ही समय पर? सर, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एक ही पथ के अंदर जा सकता है। इसका मतलब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, केवल एक ही परिणामी दिशा होती है, वो आवेश केवल एक ही दिशा में जा सकता है, दो दिशाओं में नहीं जा सकता। उसके बाद में नेक्स्ट गुणधर्म क्या था अपने पास में? सर, हमने कुछ विद्युत बल रेखाएं बनाई थी, एक धनावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, एकल आवेश के कारण, केवल एकल आवेश के कारण। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको आवेश युग्म दे दें तो उसके लिए आप विद्युत बल रेखाएं कैसे बनाओगे? वो मैंने बनाई थी, धनावेश ऋणावेश के कारण तो कैसे बनती है? अट्रैक्ट होती हुई, आकर्षित होती हुई, सिकुड़ती है, लंबाई के अनुदिश क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर सिकुड़ती है तो वो क्या कहना चाह रही है? वो कहना चाह रही है कि दो विपरीत आवेशों के मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। और अगर लंबाई के अनुदिश, लंबाई के लंबवत है, अनुप्रस्थ है, जैसे दो आवेश हमने लिए थे, एक प्लस और एक प्लस यहाँ लिया था, तो अब बोलेंगे इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है, तो लंबाई के लंबवत, ये इनकी लंबाई है मान लो, इनके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? फैलने का प्रयास करती है। अगर फैलने का प्रयास करती है तो आप नॉर्मल सा बोल दो कि दो, यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बता रही है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है।
और इनके बीच में एक बिंदु मिलेगा जिसे हम बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। याद आ गया होगा उदासीन बिंदु क्या होता है, पहले बता चुका हूँ मैं। उदासीन बिंदु जिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता कितनी होती है, जीरो होती है। बिल्कुल, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता कितनी आएगी बच्चों, जीरो आएगी। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का पहुँच ही नहीं पा रही, एक दूसरे को पृथक करके दूर हट गए, तो यहाँ पे अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का ऐसे निकल जाएगी। तो ये आ गया समान प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं। माइनस माइनस के साथ बनाना है तो डायग्राम ये बनेगा, बस दिशा अंदर की तरफ देनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट गुणधर्म आपको बता दूं मैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, बच्चों ध्यान रखना, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, बच्चों ध्यान रखना, क्या होती है, सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, प्रबल होता है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र कहें विरल होती है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब बच्चों ध्यान रखना वीक होता है, कमजोर रहेगा। इसका मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल है वहां पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र प्रबल रहेगा, मतलब ज्यादा पास पास में। फॉर एग्जाम्पल अपने से बना लेते हैं बच्चों, दो बिंदु ले रहा हूं, एक बिंदु पी है और एक बिंदु क्यू है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस दिशा में आगे बढ़ रही है, एक दूसरे को तो बिल्कुल नहीं काट रही, बिल्कुल नहीं काट रही यहाँ पे। तो आपसे कोई पूछे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रीयता EP है और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्रीयता EQ है, तो बताओ दोनों में कौन ज्यादा? सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का बहुत पास पास है, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, मतलब विद्युत क्षेत्रीयता ज्यादा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दूर दूर है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, दुर्बल है। तो हमारा साइन कैसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक दो बार नीट और आईआईटी में भी आ चुका था, क्वेश्चन क्या बनाया गया था बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे एक आवेश रखा गया था और यहाँ पर भी एक आवेश रखा गया था, यहाँ से ऐसे कुछ विद्युत बल रेखाएं जा रही थी, ढंग से क्वेश्चन को समझना बच्चों, ये था कैपिटल Q और ये था स्मॉल Q, ठीक है। अब यहां से क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ऑप्शन में था Q1 और Q2 के परिमाण में कौन अधिक है, भाई किसका परिमाण ज्यादा है, और कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है। सिंपल सा यहां पे दो पॉइंट दे दिए A और B, बोला गया कैपिटल Q और स्मॉल Q में परिमाण किसका ज्यादा, आपको दिख रहा होगा सर यहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा है, वहां पर विद्युत बल रेखाएं केवल चार ही है, इसका मतलब है कैपिटल Q का जो परिमाण है वो स्मॉल Q से ज़्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज सर यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल Q है, कैपिटल Q है, देखो बच्चों यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं निकल के और उधर जा रही है, इसका मतलब माइनस Q ऋणावेशित है और प्लस Q, ये कैपिटल Q क्या है, धनावेशित है, तो कैपिटल Q क्या है अपना, धनावेशित है, और स्मॉल Q क्या है यहाँ पे, ऋणावेशित है। क्लियर है सबको आराम से अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, देख लो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे दिख गया होगा सर, यहाँ से विद्युत बल रेखा जा रही है, वहाँ समाप्त हो रही है, धनावेशित है ऋणावेशित है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसका मतलब इसका परिमाण ज़्यादा है इससे, ठीक है। दूसरी चीज़
सर समांतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है या समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सॉरी समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, थोड़ा सा उसको एक बार डिस्कस कर लेते, ये भी प्रॉपर्टीज में आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र हम किसे कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, यहां मैं पॉइंट डाल लेता हूं, एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र, हम बार बार चैप्टर के अंदर ये काम मिलेंगे, एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र, ये हम किसे कहेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे के समांतर हो, अगर विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे के समांतर हो और उनके मध्य जो स्थान है वो भी एक समान होना चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र को हम बच्चों क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे दर्शाया जाएगा, अगर समांतर विद्युत क्षेत्र का हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, तो वह क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे के समांतर होती है और बराबर दूरी पर होती है क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है अपने पास में। तो कोई आपसे बोलेगा एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे दर्शाएंगे, अपने इस चैप्टर का जो दो तीन टॉपिक के बाद में ये बात आएगी कि विद्युत युद्ध को हम जब समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बनाना आना चाहिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे के समांतर ले लो और उनके बीच की दूरी बराबर कर लो। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, उसकी अक्षीय रेखा पर एक्स बोल दो या अक्षीय रेखा पर बोल दो, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सीधा बोल दो पर विद्युत क्षेत्र, एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाती है या केवल विद्युत क्षेत्र बोल देता है, एक ही बात है बस ध्यान रखना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो खाली एक प्रभाव है, तो सर प्रभाव को भी कोई पूछेगा क्या, उसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, हम यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ए है बच्चों ध्यान रखना, और यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा है और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रखा है, और इनके बीच की जो टोटल दूरी है ना वो कितनी कर ली मैंने, 2a। देखो बच्चों यहाँ पे 2a क्यों करी, a भी करनी चाहिए थी, इसके पीछे रीजन है वो भी समझ में आ जाएगा कि सर इस विद्युत द्विध्रुव की आपने टोटल दूरी 2a क्यों ली, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर एक्स पे, इसके अक्ष पे कोई बिंदु P लेंगे जहां पर अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी, एक्स रेखा किसको बोलेंगे, ध्यान रखना विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, ध्यान रखना बच्चों क्या बोल रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा किसे बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं, और इस अक्ष की दिशा भी पर्टिकुलर देखा जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही लेंगे, ध्यान रखना एक्स के ऊपर जो भी बिंदु है ना उसके लिए हम बोलेंगे एक्स की दिशा किधर होती है, अब एक्स आपके दो तरह से उधर से इधर लेंगे इधर से इधर ले, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ उस दिशा में लेनी है अपने को, वैसे बिंदु तो आप यहां भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां बिंदु ले लो चाहे यहां ले लो, दोनों ही जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सेम आएगी। मैंने तो एक सिंपल से लेने के लिए सर पी की दिशा जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा और हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिशा दोनों एक दिशा में आएगी, इसलिए मैंने पी को इधर मान लिया, कि जब स्केल क्वेश्चन लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला आएगा तो वहां आपको समझाऊंगा, देखना यहां जो परिणाम विद्युत क्षेत्र मिलेगा उसकी दिशा और इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, पहले पढ़ चुके हम द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो बच्चों देखो 2a दूरी ली, अब दूरी हमेशा इस P बिंदु के अपन कहां से लेंगे, सेंटर बिंदु से लेंगे O से, बस इसीलिए मैंने यहां 2a लिया है, जिससे ये A बन जाए और ये भी A बन जाए, जिससे हम कैलकुलेशन को इजी कर सके और कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। बट गलती क्या करेंगे हम, जब द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, सर आपने तो लिखवाया था P इक्वल टू क्यू इंटू A होता है, बच्चों वहां मैंने दूरी A ली थी, यहां दूरी 2a है, तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, क्यू इंटू 2a, 2a अपने आप में एक दूरी है, ध्यान रखना दूरी का डबल नहीं है ये,
ये 2a अपने आप में एक सिंगल दूरी है जिसको आपको देगी सोडियम क्लोराइड मान लो, और उसमें मैंने बोल दिया कि दोनों आवेशों के बीच सोडियम और क्लोरीन के बीच 0.2 एंगस्ट्रॉम दूरी है, ऐसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया। तो ध्यान रखना वो 2a जो है ना वो टोटल 0.2 एंगस्ट्रॉम ही है, टोटल ही है वो। देखो तो प्लस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र दिशा मानते हैं बाहर की तरफ, इसको नाम दे देते हैं E1, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा कितनी आएगी अंदर की तरफ, आएगी नहीं आएगी, सब धनावेश के कारण बाहर होती है और ऋणावेश के कारण अंदर होती है। इसका मतलब धनावेश के कारण तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ आएगी, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा हम पढ़ चुके हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा, धनावेश के कारण बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ। अब दूरियां जब हम माइनस क्यू के कारण वहां विद्युत क्षेत्र दिशा निकालेंगे तो सर दूरी तो चाहिए, तो बच्चों आप खुद देख लो प्लस क्यू के कारण तो दूरी कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक, जो टोटल दूरी है वो भी मैं लिख देता हूं, टोटल दूरी केंद्र बिंदु से वो है आर दूरी। हमेशा न्यूमेरिकल में देगा द्विध्रुव के केंद्र से दूरी प्रेक्षण बिंदु कितनी है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ देगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र दिशा निकालनी है तो दोनों आवेशों के कारण निकालनी है ना, फिर उनको जोड़ेंगे घटाएंगे जैसा भी देखेंगे। तो सर प्लस क्यू की दूरी कितनी है और माइनस क्यू की दूरी कितनी है वहाँ पे, ये निकालना बहुत जरूरी है। आर तो अपने को देगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला जब आ जाएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लस क्यू के कारण देखो बच्चों दूरी कितनी आ रही है, प्लस क्यू के कारण दूरी आ रही है अपने पास में, यहाँ देखो ये टोटल आर है, आर में से एक घटा लो, ये टोटल आर है, आर में से एक घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी आर माइनस ए, चलो ठीक है सर आर माइनस ए। E1 आपके दूसरे वाला जो आवेश है माइनस क्यू, उसके कारण दूरी बच्चों देखो कितनी आ रही है, सर उसके कारण आ रही है R प्लस ए, चेक कर लो चाहे R प्लस ए, सर ये R है तो ये A हो गई, तो R प्लस ए हो गई, सबके कारण दूरी आ गई, डायग्राम भी अपना बन गया जिसका नाम क्या है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी निकालेंगे, परिणामी क्यों निकालेंगे, यहां पे दो दो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, कहीं दोनों को अलग अलग मत करना, सर ये होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी का मतलब ये दोनों मिलके यहां कितना बनाएगी तुल्य जिसको आप बोलोगे रिजल्टेंट, ठीक है ना, उसके अक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना हो गया चित्र, एग्जाम में अपने को ऐसे ही बनाना है डायग्राम अच्छी तरह से। अब यहाँ पे क्या क्या है बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, जब हम थ्योरी लिखते हैं तो हम लिख देंगे माना, माना करके आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो बच्चों वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। माना में क्या है बच्चों यहाँ पे 2a क्या है द्विध्रुव की दूरी, विद्युत द्विध्रुव की क्या है बच्चों यहाँ पे दूरी है, और क्या है यहाँ पे बताओ देखिए ओ क्या है द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है बच्चों ध्यान रखना, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है, द्विध्रुव का क्या हो गया अपने पास में केंद्र बिंदु हो गया, फिर नीचे की तरफ आप लिख जाना और क्या है ओ के अलावा स्मॉल पी क्या है अपना विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर परेक्षण बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्या है परेक्षण बिंदु है, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। आर क्या है द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी है बच्चों, क्या है द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी है, समझ में आ गया। थ्योरी में अपन को ऐसे ही लिखना है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का 4 नंबर डेरिवेशन आएगा तो पूरी चीज आपको कंप्लीट आनी चाहिए कैसे करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो
मैं थोड़ा सा ना आपको ये जो पांचवी स्लाइड है देखो, यहां पे बाकी चीज हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, o लिख दिया, p क्या है, r क्या है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो r माइनस ए और r प्लस ए जो दूरी हमने ली है, r प्लस ए और r माइनस ए, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि बिंदु p की प्लस क्यू से दूरी कितनी है और माइनस क्यू से दूरी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया सर r माइनस ए, r माइनस ए क्या थी, प्लस क्यू आवेश से प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। ठीक है, डायग्राम देखो आपने बनाया है ना, इसी तरह से R प्लस A क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। ठीक है यहां तक, चलो ठीक है, और क्या बचा बताओ, बता देंगे और क्या बचा देंगे अपने पास में। अब हम E1 और E2 की बात करेंगे, प्लस क्यू के कारण E1 है और माइनस क्यू के कारण E2 है। चलो देखो आ जाओ यहां पे, E1 क्या है अपने पास में सर, E1 है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। क्लियर है यहां तक, चलो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों आप। सर E1 इक्वल हो जाएगा K Q, दूरी कितनी थी प्लस Q के कारण, दूरी थी सर R माइनस A, तो नीचे क्या लगाएंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको आप सदिश रूप में भी कर सकते हो और परिमाण के साथ भी कर सकते हो। देखो दो तरीके हैं सर, हम सदिश के साथ तो क्यों करें और केवल परिमाण के साथ क्यों करें। आपको यहां सबसे पहले डायग्राम में जाना पड़ेगा सर, डायग्राम में दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ध्यान रखना बच्चों, दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही लाइन पर है, किस पर है, एक ही लाइन पर है, और जब एक ही लाइन पर होती है तो आप परिमाण से काम चला सकते हो, क्योंकि परिणामी हमेशा या तो जुड़ के आएगा या घट के आएगा। जब भी दो सदिश एक ही लाइन पे होते हैं तो परिणामी या तो उनका अंतर होता है या फिर उनका योगफल होता है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट परिमाण ले रहा हूँ। ये थोड़ा सदिशों का कॉन्सेप्ट है इसलिए अपने को ऐसा करना पड़ रहा है। देखो बच्चों इस E1 की दिशा किधर है, डायग्राम में देखो E1 की दिशा किधर है, प्लस क्यू के कारण बी से पी की तरफ, बी पी दिशा में, बी से पी की तरफ बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ अपन लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर एक बी पी दिशा में, यहाँ क्या लिखेंगे बीपी दिशा में। इसी तरह से हम E2 को कैलकुलेट करेंगे, अब E2 अपने पास में यहाँ क्या था, E2 थी सर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल दो आप। ठीक है, तो बताओ देखिए E2 का मान हम कैसे कैलकुलेट करें सर, E2 भी K Q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है, तुम खुद चेक कर लो, यहाँ वैसे मैंने लिख रखी है, आप खुद है ना दूरी को चेक कर लो। देखो माइनस क्यू के आवेश के कारण दूरी कितनी है, आर प्लस है, देखो बच्चों आर प्लस है, और दिशा किधर है, पी से ए की तरफ, दिशा किधर है, पी से ए की तरफ, P से A की तरफ, यहाँ कोई भी धनावेश रखेंगे तो ये ऋणावेश क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो P से A की ओर दिशा भी पता लग गई और हमारे पास में दूरी भी पता लग गई। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर दो, और दिशा किस दिशा में बच्चों, पी ए दिशा में, किस दिशा में है, पी ए दिशा में। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी हम परिणाम निकालते हैं तो दो सदिशों को चेक करते हैं कि वो दोनों सदिश लंबवत है, एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में है, या थीटा कोण पे है। थीटा कोण पे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा। लेकिन सर दोनों जो विद्युत क्षेत्र है ना वो परस्पर विपरीत दिशा में है बस, और जब भी विपरीत दिशा में होते हैं तो हमेशा परिणाम में क्या होता है, घटके, और हम सबट्रैक्ट करके उसको निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि E1 व E2
ढंग से देखना बच्चों, चूंकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर किधर है, विपरीत दिशा में है, परस्पर विपरीत दिशा में है, तथा एक चीज और नजर आ रही है बच्चों, देखो वहां पे E1 का जो परिमाण है वह E2 से ग्रेटर है, खुद देख लो आप। सर यहां के क्यू है, यहां भी के क्यू है, नीचे R माइनस ए का होल स्क्वायर का भाग लगेगा, नीचे R प्लस ए का होल स्क्वायर का भाग लगेगा। किसी चीज में कोई चीज घटाते हैं तो संख्या कम होती है, और किसी चीज में कोई चीज जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ती है। तो आप खुद देख लो, कम संख्या का भाग देंगे, कम संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू बड़ी होती है, और बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो संख्या क्या होती है, छोटी। इसका मतलब यहाँ E1 का मान E2 से क्या है, बड़ा है। खुद चेक लो, R माइनस ए R प्लस ए है, ठीक है। तो E1 E2 से ग्रेटर है और दोनों विपरीत दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी बच्चों, आते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बच्चों कितना हो जाएगा। देखिए परिणामी, सर परिणामी E equals हो गया अपने पास में क्या, E1 माइनस E2। अब बच्चों देखिए E1 का मान कितना था, सर E1 का मान था KQ बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या था KQ बटे R प्लस ए का होल स्क्वायर। बस सोल्व करते जाओ अब आप। सर क्या LCM आ रहा है, खुद देखो आप बच्चों, R माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया R प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों अलग अलग संख्या है तो LCM में दोनों ही आएगी। देखो इसका इसमें भाग दिया तो ये बचा, और KQ आपका कॉमन आ ही रहा है, KQ को मैं बाहर की तरफ रख लेता हूँ बच्चों, KQ दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो बाहर की तरफ रख लिया। इसमें इसका भाग दिया क्या बचा, R प्लस ए का होल स्क्वायर बचा, बीच में माइनस साइन है माइनस साइन, R प्लस ए से R प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा R माइनस ए का होल स्क्वायर रिमेनिंग है। बस इसको अपने को ओपन करना है, ओपन करो देख क्या आ रहा है, इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सोल्व करना है, बस अब बच्चों अपने को सोल्व करना है। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या रहा है बच्चों प्लस का 2ar, माइनस साइन है तो अंदर जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस का ए स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ar आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2ar, और नीचे की तरफ बच्चों क्या हो गया देखो, R माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे की तरफ हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बच्चों ध्यान रखना दोनों पे होल स्क्वायर और था तो इसलिए होल स्क्वायर आ गया, और बाहर की तरफ क्या था KQ था, बाहर की तरफ क्या था अपने पास में KQ, तो उस KQ को हम यहाँ लिख लेते हैं सर, E बराबर यहाँ था अपने पास में KQ, तो ई परिणामी कितना आ गया, ई परिणामी बराबर, ध्यान नहीं यहाँ कैसे सोल्व किया है, इन दोनों को आप स्क्वायर को ओपन कर लो और जो कट रहा है उसको काट लो, और बाकी यहाँ हो रहा है तो देखो यहाँ ऊपर की तरफ सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ऊपर बच गया 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है बच्चों KQ है। इसी फॉर्मूले को अपने क्या करना है, पी के टर्म में लाना है, तो पी के टर्म हम कैसे लाएंगे बच्चों, देखो अभी सिखाया था सर क्यू की जगह, तो क्यू को ऐसे रहने दो, विद्युत द्विध्रुवागुण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी होती है उनके बीच की दूरी 2a, तो इस 4a को मैंने क्या लिख दिया 2a यहाँ लिख दिया, और बचा क्या यहाँ से पूरी जगह, यहाँ से एक तो k बच गया ठीक है, और एक आपका 2r बच गया, चेक कर लो सर बच्चों, और नीचे की तरफ क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास में क्या टर्म आ रही है सर 2k, और ये बन गया पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक तो हमने कर लिया सिंपल तरीके से ठीक है, यहां तक 2kPr अपॉन, देखो कैसे क्या ये p बन गया, बिल्कुल सर ये पी बन गया यहाँ से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है, द्विध्रुव क्या है बहुत छोटा है, तो बच्चों यहाँ से हम ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, और नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर को उठाओ तो आर की पावर 4, और आर की पावर 4 से जब आर कटेगा, आर की पावर 4 से एक आर कटेगा, तो फाइनली हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाता है
2kp/r³, और यही अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अभी टाइम क्या थोड़ा ख़त्म हो गया, बाकी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ जैसे ही आप ए को नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि द्विध्रुव बहुत छोटा, तो हम ए को उठा सकते हैं और ए को उठाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11 12th IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।